हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी जब हम कैलंगूट बीच से आए थे तो हम थक रखे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा सो लेते हैं, तो थोड़ा हमने रेस्ट किया। उसके बाद अभी दोबारा से हम फ्रेश हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वैगेटर बीच, जो कि लोग कहते हैं कि यार वो काफ़ी अच्छा बीच है। तो देखते एक बार उसको जाके कि वो कैसा बीच है और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ भी हैं, तो वो सारा आपको बताएंगे। तो अभी मैं तो तैयार हो गया, मोनिका भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो हम यहाँ से फटाफट स्कूटी उठाते हैं और निकलते हैं वैगेटर बीच के लिए। तो बाकी वहाँ पे आपको दिखाते हैं सारा कुछ। हम हो गए रेडी और अब हमारी स्कूटी भी निकलने को तैयार है। यहाँ इतनी धूप है कि मतलब स्कूटियाँ इतनी गर्म हो जा रही हैं, बैठने में बड़ी दिक्कत आ रही है यार। बैठने में बड़ी दिक्कत आ रही है बार बार। हम छोटी छोटी गलियों से, साफ साफ गलियों से निकलते हुए, और हमारे हाथ में गूगल मैप है जो हमारा सहारा है आजकल का, क्योंकि यहाँ पर रिक्शे वगैरह है नहीं, तो गूगल मैप ही है जो है, जहाँ ले जाएगा वही ले जाएगा। अभी रास्ता थोड़ा अलग सा है, बिकॉज हम दो दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बागा वाले रोड पे ही कर रहे हैं, तो आज देखिए कोकोनट ट्री हर जगह काफ़ी अच्छा है, क्लीन बहुत है, ग्रीनरी हर जगह है। मौसम भी अब सनसेट होने को है, हमने प्लान यही करा है कि वैगेटर पे हम लोग सनसेट देखेंगे। आकाश, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो यही है, कोकोनट ट्री। नहीं तो ग्रीनरी तो आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाती है, राइट? सही बात है। अभी इसमें दिखा रहा है 11 मिनट में हम पहुँचेंगे वैगेटर। ये नई रूट है हमारे लिए, बिकॉज हम लोग दो दिन से इधर उधर ही थे, तो ये यहाँ पर चर्च भी काफ़ी है, मैंने इसी नोटिस करी, चर्च यहाँ पे काफ़ी है। चर्च दिखाओ यार। ये देखो, ये भी एक चर्च है, मतलब जगह जगह पे चर्च बने हुए हैं। इस टाइम में ट्रैफिक इतना नहीं है यहाँ पर, ट्रैफिक वैसे दो दिन से जो नोट मैंने करा है वो मतलब ट्रैफिक कम ही है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है, है ना, मतलब इतना नहीं है ट्रैफिक, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें भी है ना, तो इसमें ट्रैफिक होता नहीं है यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं वैगेटर फाइनली। यहाँ पर एक आते ही से ही हमको एक अलग वाइब फील हुई है, राइट तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अभी चल के देखते हैं कैसा है, दिखाते हैं आपको। तो ये हम पहुँच गए वैगेटर बीच। हाँ, और यार यहाँ की जो वाइब है ना वैगेटर की, कुत्तों को इग्नोर करना, ये वाइब नहीं, ये वैसे ये भी प्यारी वाइब है, पर यार ये देखो आप, बच गया मैं फिसलते। यहाँ की शांति है ना यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर शांति है, मतलब बागा और कैलंगूट के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग एनवायरनमेंट है, क्राउड भी यहाँ पे अच्छा है ना, उस सारे। पर हमने वहाँ नहीं जाना ना, हम उस साइड जाएंगे, वहाँ पे देखो वो पहाड़ी पे, मतलब छोटे छोटे पहाड़ टाइप के बने हुए हैं, तो उसमें भी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी मतलब वही शैक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो। तूने पहन क्यों नहीं रखा ये? पहन ले ना। अरे तो क्या हो गया, पहन ले। चलो वैगेटर बीच यहाँ, मतलब अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखो, उसके बाद ही आप लोग डिफरेंस पता कर पाओगे कि बागा बीच में एंड कैलंगूट बीच में क्या डिफरेंस है, और वो दोनों इससे कैसे अलग है, या फिर वो दोनों से ये कैसे अलग है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कम है, लोग भी यहाँ पर अच्छे, मतलब सही अच्छा क्राउड है, ठीक ठाक अच्छा क्राउड है यहाँ पर। ये देखो एक सेकेंड, ये पहले कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो यार यहाँ से तो एक बिल्कुल ही अलग वाइब आ रही है, देखो कहाँ खड़े हम, देखो पहले हम खड़े हैं इधर इनके ऊपर। हाँ, ये जो मतलब रिवर्स के बीच में पत्थर बने होते हैं उसके ऊपर खड़े हैं हम, लाइन में खड़े हैं ऊपर से, लाइन में ही खड़े हैं हम, लाइन में नहीं, तो इधर आ जाना। और यहाँ से व्यू देखो यार, कितनी प्यारी प्यारी फोटोज आएंगे यहाँ पर, देखो। और यहाँ पर देखो वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, लेकिन शाम होते होते ना यहाँ पे एक्टिविटी बंद हो जाती है। और एक चीज़ है कि हर बीच के सामने ना इन लोगों ने फ्लैग लगा रखे कि इसके आगे अब नहीं जाना आपको, वो है मतलब खतरे वाला, डेंजर पॉइंट है वो। यहाँ पर कपल्स भी हैं, यहाँ पर रशियंस भी दिख रहे हैं हमें हल्के हल्के, और फैमिली वाले भी, क्राउड अच्छा है यहाँ पर। वैगेटर बीच में ये है कि यार अपना आराम से पीसफुली वाला चिल कर सकते हो, मतलब इतना रश नहीं है यहाँ पर, और
मतलब पार्टीज़ वार्टीज़ वाला भी मतलब इतना शोर शराबा नहीं जितना कैलंगूट और बागा में होता है। और यहाँ पर भी है देखो, अगर जैसे आप देख सकते हो पीछे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, पर वो मतलब उसमें उतना वो नहीं हो रहा, शोर शराबा नहीं हो रहा। और बाकी फ़ोटोग्राफी के लिए तो काफ़ी अच्छा बीच लगा मेरे को ये। क्यों मोनिका? यस, ये देखो अभी सनसेट होने वाला है और ये देखो यहाँ का नज़ारा। गाय भी बैठी है यहाँ पर भी बैठी गाय, और एक गाय ये बैठी। ड्रैगटर में हमने काफ़ी फ़ोटो क्लिक कर लिए बिकॉज़ यहाँ फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और अभी सनसेट भी हो रहा है और हमने काफ़ी एंजॉय करा वेगेटर में, यहाँ पर हमें मज़ा आया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।